गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बिल्कुल। तो यार सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बंटी और बबली का ट्रेलर हमने कल किया था लेकिन वो वीडियो हमारी ब्लॉक हो गई, वो अपलोड नहीं कर सके, तो सॉरी उसके लिए। काफी लोग बोल रहे थे उसका ट्रेलर करें। सच में यार, मतलब ब्लॉक कर दिया उन्होंने, दो तीन बार अपलोड की लेकिन उससे पहले भी दो वीडियो हम डाल रहे थे वो भी ब्लॉक हो गई यार। तो अब आते हैं, आज एक और ट्रेलर हम लेकर आए जो कि है अभी थोड़ी देर पहले आया, जिसका टाइटल है और लेजेंड एक एक्टर की ये मूवी है उसका ट्रेलर है। तो वीडियो का जो टाइटल है हमारा यार फेवरेट है सीरियसली। और सच बताऊं साउथ की जान सुपरस्टार, साउथ की नहीं पूरे इंडिया की जान कैसा भाई, पूरे इंडिया में बंदा फेमस है। हाँ। अनाथे ऑफिशियल ट्रेलर रजनीकांत की मूवी, फाड़ू मूवी होगी, फाड़ू मूवी पहले से बोल रहा हूं। रजनीकांत की मूवी हमेशा कमाल होती है, इसमें कोई शक नहीं है यार। इनका हाँ? स्टाइल ही अलग होता है, मतलब इनकी हाँ? पुरानी ग्लासेस करके ऑल टाइम आपकी फेवरेट इनकी मूवी कौन सी है? मेरी पता है कौन सी है, शिवाजी द बॉस। यार वो मूवी मुझे नहीं भूलती, मैंने कम से कम 30-40 बार वो देखी है, जब लगती है मैं देखता हूँ। हम खुद बाकी काफी सारा दफा हमने देखी। और दूसरी इनकी मूवी जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, उसके बाद जो अक्षय कुमार के साथ इनकी आई थी रोबोट 2, वो भी बहुत रोबोट। अब ज्यादा लंबा नहीं करते, पहले देखते हैं ट्रेलर भाई, उसके बाद देखेंगे कैसा है भाई ट्रेलर। तो बिना किसी देरी देखते हैं, तो काउंट डाउन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। நீ யார் அங்கிருந்து நீ சேர்த்து வைக்கிற சொத்துலயோ சுத்தி இருக்கிறவங்க மேல வச்சிருக்க பயத்திலயோ இல்ல, நீ செய்த செயலியோ நீ பேசுற பேச்சிலயோ இருக்கு, இது வேத வாக்கு சுத்தி இருக்கிற எல்லா கிராமத்துக்கும் பிரசிடென்ட் எல்லா வளமும் எல்லா செல்வமும் அந்த மதுரவீர சாமி உனக்கு கொடுப்பாரியா? எனக்கு கொடுக்க சொல்ல எல்லா வளமும் செல்வமும் என் தங்கச்சிக்கு கொடுக்க சொல்லுங்க. தங்கச்சி அந்த தங்கச்சியா பா சொல்றதெல்லாம் டூ மச். தெரியுமா கண்ணீர் சிந்த வச்ச கடமை இல்ல உரிமை நியாயமும் தைரியமும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த சாமி இறங்கி வந்து அவளுக்கு துணையா நிற்கும். பார்க்கலாண்டா கல்கத்தாவுக்கே காப்பு கட்டிட்ட எங்க ஒரு மதுரை வீர சாமிக்கு வந்து நேர்ந்து விட்டுட்ட இன்னைக்கு ஆரம்பிக்குது திருவிழா கார்னிவல். दीपावली पे आ रही है इसी साल यार। एक बात मैं बोलूं यार, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने लगा। मूवीज आ रही है देखो, सूर्यवंशी आ रही है, ये भी आ रही है, अंतिम भी आ रही है, अंतिम दीपावली पे आ रही है।
दिवाली पे मेरे ख्याल से अंतिम दिवाली पे थी नवंबर, हाँ लिखा हुआ था, हाँ दिवाली पे शायद, दिवाली के मतलब नजदीक है या थोड़े देर बाद। गाइस इस बार दिवाली पे पूरा ब्लास्ट होने लगा और सिनेमा भरने लगा है और हक भी बनता है क्योंकि वैक्सीनेट हो गए सारे, अब आपका मजे करने का टाइम है। तो यार मुझे इस मूवी में शुरू से क्या लगा, थोड़ा क्रैक डाउन करते हैं। मतलब मूवी क्या है, इसके अंदर सीन क्या है कि मतलब एक गांव का ये शायद प्रेसिडेंट बनता है कोई, पूरा गांव इसके साथ होता है, करता है इनका, हंसी खुशी वाला गांव होता है। इनकी एक बहन है, इनकी एक बहन भी है, एक लवर भी है अच्छी, उससे शायद शादी भी हो गई है मूवी के अंदर ही। और वहां पर एंट्री मारता है जयकांत शिकरे, मेरा फेवरेट यार, असली नाम कोई और है लेकिन मैं उसको जयकांत शिकरे बोलता हूँ। मैं उस मूवी के बाद इसका फैन हूँ सीरियसली। अच्छा इसमें विलेन जो थे ना वो टॉप के, टॉप के तीन किस्म के इसमें विलेन है। जयकांत शिकरे अब शायद फनी कैटेगरी में भी विलेन हो, लेकिन मैन विलेन वो गाड़ी वाला लग रहा है, कहता है तुझे मारना मेरा हक, मतलब मेरी ड्यूटी नहीं मेरा हक है। और फिर वो एक दूसरे को कह रहे थे लेट्स सी यार, देखते हैं देखते हैं, मतलब हाँ। फिर वो रजनीकांत बोलता तेरी मैं बलि दूंगा, मतलब तेरी मैं भगवान के आगे बलि दूंगा, तो मतलब यार वो वाला काम सैक्रिफाइस तुझे करोगे यार कमाल। अगर ऑल जो है ना ट्रेलर अगर देखा जाए उसके मुताबिक अगर फुल एक्शन है बीच में, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें फनी भी है, इसमें फनी तो कुछ ज्यादा ही मुझे लग रही थी, मतलब एक नहीं इसमें एक्शन भी बहुत, एक्शन भी बहुत ज्यादा है, मतलब इस तरह का मुझे लग रहा है कि ये मूवी आपको मतलब मजा करेगी, कितना फुल एंटरटेन, पैसा वसूल, ये फुल पैसा वसूल, पैसा वसूल है। और दूसरी बात मैं आपको एक बताऊंगा कि आप लोगों ने मुझे बताना कि हिंदी डब में भी रिलीज होगी या फिलहाल सिर्फ तमिल या तेलुगु, तमिल और तेलुगु जो भी जितनी डब में आती है डब हमेशा आती है और हम जरूर देखते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं, कोई भी मूवी आए हो हम ना देखें, ये कैसे हो सकता है। और यार आजकल आपको पता है साउथ कुछ ज्यादा टॉप पे जा रहा है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड, नहीं तो बॉलीवुड का भी अपना ही मयार है लेकिन बॉलीवुड के भी अलग बात है, मतलब बहुत ज्यादा भी चला गया क्योंकि पिछले दिनों तुम्हें पर भाई आपको एक बात बताऊं साउथ के ऊपर जाने की, वो क्या है इनकी फिल्मों की क्वालिटी बहुत चेंज हो गई है। पहले क्या होता था मतलब बहुत अवर हो जाती थी मूवीज, लेकिन आजकल जब से बाहुबली देखो, अभी पुष्पा आ रही है, अभी ये देखो दो तीन मूवीज और गई हैं, हाँ भाई विजय की भी मूवीज गई हैं, कमाल कमाल की, मार्शल मास्टर, असल में इसमें स्टोरी होती है, स्टोरी कमाल मूवी में देखो। अब इन्होंने जो पुरानी साउथ की मशहूर होती थी ना कि मुक्का मारा दस बंदे वो चीज नहीं रही, इस तरह का आजकल हो गया जिस तरह रियल में हो रहा है, रियल में हो रहा है, और एक अच्छी स्टोरी के साथ मूवी आती है जो देखने में भी मैं कहता हूँ दिल से खुशी होती है, खुशी होती है ऐसी मूवी, मतलब यार एक पूरी आप प्योर मतलब आप फैमिली के साथ इनकी मूवीज आराम सुकून से देख सकते हो, बिल्कुल कमाल किस्म की मूवीज होती है सच में यार, बिल्कुल। सो गाइज आप बताएं आप कौन कौन वेट कर रहा है इस मूवी का, कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी इस चीज को शेयर करना, जरूर बताइएगा इसके बारे में। और कहना भाई हमने, मैं बस यही कहूंगा कि यार आप ने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन, सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना कि रजनीकांत सर का फैन है, फैन हम बहुत बड़े फैन हैं यार। सो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।